हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल फूड एंड ब्यूटी टिप्स विद अनु, और मैं अनु आपका वेलकम करती हूँ। आज फिर मैं आई हूँ आपके सामने नई रेसिपी लेकर, तो चलिए बनाते हैं। नई नई ट्रिक एंड ट्रिप के संग मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये आलू का चिप्स है, जिसे आलू का भुजिया भी कहते हैं, आलू का लच्छा भी कहते हैं, या फिंगर फ्राई भी कहते हैं। ये बहुत ही ईजी है, पर किसी का शिकायत होता है कि वो उनसे अच्छी नहीं बनती है क्योंकि क्रंची नहीं बनती। देखिए, हमने एकदम लाइट कलर में बनाया है और बहुत ही अच्छी रेसिपी शेयर करती हूँ। चलिए, ये मैंने बड़ा साइज़ का मीडियम आलू ले लिया है, बड़े साइज़ का आलू है, दो आलू ले लिया है। ऐसे छील लेंगे हम, सब छिलका उतारने के बाद हम इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे, मतलब काटेंगे। पर हम काटने का ट्रिक बता देते हैं आपको। देखिए, ग्रेटर मैंने लिया है, देखिए ये शेप अच्छी नहीं आ रही बोल के थोड़ा बड़ा कर दे रही हूँ सेटिंग करके। देखिए ये गोल गोल लच्छा निकलेगा, पर अब डरिए मत, हम इसे कटिंग करेंगे। पर ये बहुत ही अच्छी तरह से, ये ऐसे हम इसे राउंड शेप में निकालने के बाद हम इसे लंबा काट लेंगे। पर थोड़ी सी मेहनत है, पर बहुत अच्छी बनती है, ज़्यादा मेहनत नहीं है। देखिए, ऐसे हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और ऐसे कितनी जल्दी कट हो गई, देखिए हम काट दिए, बहुत ही इजी कटिंग हो जाती है। ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है, बंगाल का तो बहुत ही फेवरेट डिश है, बहुत ही अच्छा बनता है बंगाल, खास करके बंगाली लोग बनाते हैं, बहुत ही अच्छा। तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आया था कि बहुत जन जो चिप्स बनाते हैं, मतलब आलू के फ्रेंच फ्राई बनाते हैं, वो अच्छा नहीं बनता है, क्रंची नहीं बनता है, तो क्या करें। तो इसमें मैं कोई भी कॉर्नफ्लावर नहीं डालूंगी, कुछ नहीं डालूंगी, एकदम साधारण बनाऊंगी। आप देखिए, देखते जाइए, देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। मैंने इसे तीन चार पानी से धो लिया है। धोने के बाद देखिए, हम इसे पानी को हम ऐसे स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन कर देंगे और रख देंगे। हमें और कुछ नहीं करना है, इसे हम नमक और हल्दी डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। मैं कुछ बेकिंग पाउडर या फिर कोई कॉर्नफ्लावर या फिर कुछ भी नहीं डालूंगी, और बहुत ही क्रंची बनेगा और हेल्दी भी, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी। आप चाहे तो बच्चों को दे सकते हैं इसे, बच्चे जिन थोड़ा ज़्यादा भी खा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि आप घर में हाइजीन के हिसाब से बना रहे हैं, हाइजीन को मेंटेन करके। देखिए, हमें हल्दी और नमक डाल दिया है और मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो भी पानी है, स्टार्च है, इसका निकल जाए। हाँ, पर इसे तीन से चार बार अच्छी तरह पानी से वॉश कर लीजिएगा ताकि जो एक्स्ट्रा स्टार्च है निकल जाए पानी में से, आलू में से जो भी स्टार्च है पानी से निकल जाए। ये देखिए, पानी हमारे कैसे बाउल में जमा हो जा रहा है, देख रहे हैं, ये नमक के कारण ही ये पानी हमारा निकल जा रहा है। आधा घंटा हमने छोड़ दिया है। देखिए, मैंने तेल गरम कर लिया है और एकदम ऑयल नहीं डालने का, बहुत ही सूखा सूखा बनेगा। देखिए, एकदम भी आलू काला नहीं पड़ा, देखिए आप देख सकते हैं आलू हमारा कितना है, जैसे हम लोग छोड़े थे वैसा ही है। पानी सारा निकल गया है, पानी में से मॉइस्चर सारा निकल गया है आलू में से। ये देखिए, हमारा तेल अब गर्म हो चुका है, हम इसमें ये लच्छा डाल देंगे और बहुत ही जल्दी बन जाएगा, टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लेता है क्योंकि इसमें से मॉइस्चर ज़्यादा नहीं है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है और फ्राई होकर कितना सुंदर निकलेगा। जी फ्रेंड्स, आपको यदि मेरी रेसिपी ये थोड़ी सी भी पसंद आती हो तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिएगा, ताकि जिसे ये रेसिपी बतानी नहीं आए हो तो उसे भी ये पता चल जाए कैसे बनती हो, उनको भी थोड़ा सा लाभ हो सके मेरी रेसिपी से। ये देखिए, हमारी रेसिपी अब एकदम रेडी है, चावल के संग आप खा सकते हैं गर्मी में। अभी जैसे आम दी के दाल बनाते हैं, दाल जैसे बोलते हैं, बहुत अच्छा बनता है उसके संग, ये बहुत ही अच्छा लगता है चावल के संग, और आम की जो दाल बनाता है जो थोड़ा खट्टा खट्टा रहता है, बहुत अच्छा था। बच्चे तो बहुत ही इसे पसंद करते हैं और ये एकदम बहुत ही कम तेल में बनती है, बहुत ही अच्छी है, हेल्दी रेसिपी। आप चाहे तो दे सकते हैं बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे यही ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मेरी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर। और मेरे चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, घंटे का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा कि मैं कौन सा नया नया वीडियो लेके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज देती हूँ विदा, फिर आऊँगी नई रेसिपी के संग, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।